हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे टेबल ऑफ प्रीसीडेंस की। इसे आप रट ही जाइए, एक क्वेश्चन आपको सियोर शॉट देखने को मिलेंगे। यह है आपका संवैधानिक पदों का वरीयता क्रम। जैसा कि आपको याद भी होगा और इन्हें पिक्चर से याद करने का प्रयास करेंगे, 10-11 तक आप याद कर लेंगे टेबल ऑफ प्रीसीडेंस, है ना, तो क्वेश्चन आपको बन ही जाएंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा लेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन, है ना, मीन्स अल्टरनेट ईयर में आपको देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, 1-2-3 याद हो गए। चौथे नंबर पे राज्यपाल अपने राज्य में, लेकिन यही दूसरे राज्य में जाएंगे तो 8वें नंबर पे चले जाते हैं, यह ध्यान रखना है। इसके बाद है जो 5 में फॉर्मर प्रेसिडेंट, जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद है। 5 के ए में डिप्टी पीएम। उसके बाद है जो 6 में सीजीआई, जो कि आपके यूवी ललित हैं, लोकसभा स्पीकर हो गए, ये 6ठे नंबर पे हो जाएंगे। और 6 का याद रखेंगे क्या, 6 का कनेक्शन 9 से। सीजीआई हो गए तो 6 नंबर पे, लेकिन बाकी जो जज हो गए वह 9 नंबर पे, और उसके जैसा योग्यता भी रखने वाले, है ना, आपके 9 नंबर में ही है, यह ध्यान रखना। इनके क्रम से पूछ दिया जाता है या पूछ दिया जाता है कि कौन सा, है ना, इसमें सबसे ऊपर का क्रम है। अब देखिए 7वें नंबर पे तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जबकि पीएम तो 3रे नंबर पे हो गए, लेकिन उनके सपोर्टर्स जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग मिनिस्टर्स हैं, वह 7वें नंबर पे हैं। जितने राज्य में अपने अपने राज्य में सीएम जो हैं 7वें नंबर पे होंगे, लेकिन दूसरे राज्य में जाएंगे तो इनका प्रेफरेंस है जो 8वें नंबर पे चला जाएगा। इसके बाद है जो नीति आयोग का चेयरमैन, जो कि अभी कौन है, सुमन बेरी ना, हाँ, तो यह जो हैं आपके 7वें नंबर पे हैं, लेकिन इनका सपोर्टिंग स्टाफ 10वें नंबर पे। तो 6 का 9 से ही कनेक्शन याद रखेंगे और 7 का 10 के साथ कनेक्शन दिमाग में रखना भी है। इसके बाद है जो फॉर्मर जो पीएम आपके हो गए, जैसे मनमोहन सिंह हो गए, तो ये आपके 7वें नंबर पे हो जाएंगे। और लोकसभा एवं राज्यसभा में जो अपोजिशन के लीडर हैं, विपक्ष के नेता हैं, वह 7 में हो जाएंगे। जिन्हें भारत रत्न मिला है 7 के ए में, यानी 7 के ही जैसा दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद है जो आपका, मतलब समझ रहे हैं कि किसी को भारत रत्न मिल गया, मतलब वह एक कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा, सीएम, किसी राज्य के सीएम के दर्जे के बराबर, है ना, उसका वैल्यू है, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वैल्यू है। इसके बाद 8 में जितने भी एम्बेसडर हैं और जो हाई कमिश्नर हैं किसी देश में, जिसे हम बोलते हैं क्या, राजदूत या उच्चायुक्त, तो यह 8वें नंबर पे, सीएम बताया दूसरे राज्य में या गवर्नर दूसरे राज्य में, आपके 8वें नंबर पे। इसके बाद 9 में आपके कौन, तो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। 9 के ए में कौन है, तो यूपीएससी हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, कमिश्नर हो गए, इसके बाद सीएजी हो गए, सब 9 के ए में हैं, यानी इनकी योग्यता कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही जैसी होती है। इसके बाद 7 का 10 हमने बोला, तो इस प्रकार से जो डिप्टी आपके चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, ऐसे तो चेयरमैन आपके कौन हो जाते, तो वाइस प्रेसिडेंट, जो कि दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन डिप्टी चेयरमैन आपके 10वें नंबर पे हैं। और 7 नंबर पे जो सीएम हैं उनका सपोर्टर, है ना, मीन्स बैक, तो यह है जो आपका 10वें नंबर पे है। डिप्टी स्पीकर जो हैं आपके 10वें नंबर पे हैं, जबकि स्पीकर कैवें नंबर पे थे, याद कीजिए 6ठे नंबर पे थे, है ना, लेकिन डिप्टी स्पीकर 10वें नंबर पे। नीति आयोग के जो क्या डिप्टी चेयरमैन हैं आपके 7वें नंबर पे, लेकिन उनका जो मेंबर्स है 10वें नंबर पे है। और जो राज्य मंत्री हैं वह भी 10वें नंबर पे हैं, राज्य मंत्री आपके 10वें नंबर पे हैं। और एक दो और याद रखेंगे, 11 नंबर भी आप याद रखेंगे, है ना, जैसे एजी हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए और एलजी हो गए, ये सब 11वें नंबर पे आते हैं। तो यदि इतना आप याद रखते हैं तो सीओ शॉर्ट एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसे बार बार, इसका क्या कीजिए, आप रिविज़न कीजिए, बार बार इसे पढ़िए, रट जाइए।